हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण सियोल है। ये मेरी सेकंड वीडियो है क्लाइमेट पे। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है और उसका हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक, ये नीम का पौधा लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा भी है, ये भी है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये छाया ही नहीं दे पा रहा है। नीम के नीचे ही छाया नहीं है, वो खेजड़ी है, उसके पत्ते छोटे होते हैं, वो थोड़ी बहुत छाया दे रहा है। ज़्यादातर हमारे राजस्थान में नीम प्रेफर किया जाता है, नीम लगाया जाता है, और ये भी खेजड़ी है तो उतनी छाया नहीं दे पा रही है, ये भी नहीं दे पा रही है। तो उसका मेन कारण मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने के चक्कर में जब गर्मी, इनके जो नए पत्ते आते हैं तो नए पत्ते आने पर इनके पत्तों की साइज़ भी देखोगे तो इस बार छोटी है। पत्ते जैसे ही पतझड़ हुआ उसके बाद नए पत्ते आने थे, तो जैसे ही पत्ते आने लगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो पत्ते क्या डेवलपमेंट नहीं हो चुका, छोटे ही रह गए। और इस साल निमझर जो कहते हैं उस पर जो फूल लगते हैं वो भी नहीं लग सकी, जिसके चक्कर में निम्बोड़ियाँ भी नहीं आई। इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं वो तो दिक्कत की बात है, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको सपोर्टिव जो क्लाइमेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के चक्कर में वो भी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ गए हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मेरी फर्स्ट वीडियो में जो मैंने सरकार से अपील करनी चाहिए कि कुछ गाइडेंस किया कि क्या करना चाहिए, कि टैक्स लगाना चाहिए जो पेड़ अपने घर के आगे ना लगाए, तो अपने आप लोग पेड़ लगाएंगे और क्लाइमेट को बचाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।